20 साल बाद अपने गांव में आना बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ भैया, लंदन देखने के बाद अपने गांव को देखकर पिज्जा की जगह गरम पकौड़े खाने की इच्छा होती है। क्यों बहन, अनु को फिर से अस्थमा का दौरा पड़ा क्या? अभी मौसम चेंज हुआ है ना भाई साहब, इसलिए 2-3 दिन अब ऐसे ही रहेगा। बारिश के समय में भी इतनी गर्मी है तो गर्मी के मौसम में क्या होगा? भारत, इस जगह के दुश्मन तो और भी गर्म रहते हैं। दुश्मन मतलब? अरे बेटा वो झगड़े की बातें रहने दो, इधर आओ। देखो बेटी, इस गांव में हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, सब हमारे लोग हैं। बेटा इसीलिए तो चाचा जी यहाँ पर अस्पताल बनवा रहे हैं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि गांव में बहुत से लोग गरीब हैं ना, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए हम अस्पताल बनाकर फ्री में उनका इलाज करेंगे। ए, आओ जल्दी जल्दी साहब आगे आओ। नमस्ते। नमस्कार मुरली, ठीक तो? हाँ सब ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि मछली वहां सो रही थी ना। हाँ? भाई साहब देखिए यहाँ पर चोर घुस आया है, जल्दी आइए भाई साहब। अरे राणा, तुमने चोरी शुरू कर दी क्या? चोरी नहीं साहब, आपके आने की खबर सुनकर फैक्ट्री की बात बताने आया। फैक्ट्री? क्या हुआ फैक्ट्री को? फैक्ट्री अब हमारे हाथों में नहीं रही, बलदेव को मारकर धनराज ने फैक्ट्री हथिया ली है। बलदेव को मार दिया? हम खुश रहे इसलिए आपने अपनी जमीन पर फैक्ट्री बना कर दी, लेकिन अब उसी फैक्ट्री में हम एक मजदूर की तरह काम कर रहे हैं भाई। ये नाइंसाफी है भैया। यही सोचकर कोर्ट में जाने वाले मेरे भाई को मार डाला। इतने दिनों तक ये बात मैंने अपने मन में छुपाए रखी, आज आपके आने की खबर सुनी तो इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, उस फैक्ट्री में आने वाले मुनाफे का हक आपका भी है, इसके लिखित कागजात भी तैयार हैं, इसके लिए मैं कोर्ट भी जा सकता हूँ। देखते हैं कि वो फैक्ट्री कैसे हथियार। भाई साहब, उनके खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है उन सबको वो जान से मार रहे हैं। अगर मैंने ऐसा सोचा होता तो 80 एकड़ की जमीन उन लोगों के नाम न की होती। 20 साल विदेश में पैसे कमाने के बाद यहाँ अस्पताल बनवाने क्यों आया हूँ? क्योंकि इस मिट्टी से मुझे प्यार है। तुम चिंता मत करो सुधा, हमें कुछ नहीं होगा। मेरे क्लाइंट राजकुमार चतुर्वेदी की तरफ से ये 80 एकड़ की जमीन केवल उपयोग मात्र के लिए दी गई थी। सौभाग्य से उसमें ग्रेनाइट पैदा हो गए जो मेरी जमीन पर सींचे गए खून पसीने का परिणाम है, जिसे आपने बड़ी ही बेरहमी से धोखेबाजी से हथिया लिया है। पिछले 20 सालों में मुझे मिलने वाले लाभ का आप खुद सुख भोग रहे हैं, इसलिए हर साल का 50 लाख के हिसाब से 20 साल का करीब 10 करोड़ रुपया मेरे लाभ प्राप्ति की रकम और अपनी फैक्ट्री में मुझे वापस लेना होगा। ये कानून हो जा, मैंने कहा चुप हो जा, बंद कर इसे पढ़ना, ना मैं कोर्ट जाऊंगा और ना एक पैसा भरूंगा, जो करना है कर ले वो, जा। कोर्ट में ना जाने वालों में से तो आप नहीं हैं स्वामी, वही होंगे जिन्होंने केस किया। वकील साहब जी, अगर केस करने वाला खुद कोर्ट नहीं गया तो उसका क्या होता है? और क्या होगा, सिविल कोर्ट में है ना, इसलिए 6 महीने में 2 बार तारीख देकर वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए ऐसा लिखकर केस बंद कर देंगे। वो कोर्ट जाए बिना क्यों रहेंगे? कोर्ट जाना है तो उन्हें तो जिंदा रखना होगा ना स्वामी। बेटा केशव, तारीखों की वजह से तुम्हारे पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए पहले तारीख पढ़ने से पहले ही उन्हें मारकर जिस पानी से तुम्हारे पिताजी के पैर धोए हैं वही पानी उनके मुंह में डाल दो तो जान लेने का कोई पाप नहीं लगेगा। रुक जा बेटा। गौतमी, बेटी लक्ष्मी, तेरे भैया शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, अपनी शक्ल तो दिखा। ए, भाई तुम भी उसके साथ साथ जाओ। रुको, उस बॉम्बे फकीरा को भी साथ ले जाना। ए, भाई ने एक को मारने के लिए कहा है, चल।
लीजिए, कॉफी लीजिए। अभी नहीं, बाद में। सुनो, वो राणा की लड़की है ना? जी भैया। जोड़ी अच्छी हाँ है जी। जोड़ी अच्छी है भैया। राणा, जरा इधर आना। उन लोगों को देखकर तुम्हें क्या लगता है? भैया, मैं चाहता हूं कि अपने भाई की शादी तुम्हारी बेटी से कर दी जाए। भैया, भगवान ने मेरी बेटी को अच्छी शिक्षा दी है सोचा था, लेकिन सौभाग्य भी दिया, यह आज पता चला। कंग्रेचुलेशन, तुम दोनों की शादी के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। भैया, मेरी बेटी को ले जाओ, मैं अपनी बेटी आपको सौंप रहा हूँ। पिताजी, पिताजी, शांत हो जाओ धनराज जी, शांत हो जाओ। अब बेटा तो वापस नहीं आएगा, हाँ? उसे भूल जाओ, सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है। तुम तो कुछ कहो ना बेटी, लड़का गया तो क्या, वो लड़की तो है, उसी में तसल्ली कर लेनी चाहिए। ठीक ही कह रहे हैं भैया, मेरी बात सुने बिना कल से बस रोए ही जा रहे हैं। ये कौन है भैया? ये मेरा बेटा है, कॉलेज में पढ़ता। नमस्ते मैडम। बेटा, 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 क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो तुम? जाने वाला दोबारा आता है क्या? स्वामी, प्यार न होने की वजह से ये दीपक नहीं बुझाया। मेरे लड़के को मारने वाले का सर काटकर उसके ऊपर ये दीपक जलाने वाली हूँ मैं। जाओ, वो जहाँ भी हो उसे ढूंढकर उसे भयानक मौत देकर मेरे सामने लेकर आओ। जाओ। इन दोनों को देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ, हैं? जैसे लंकनी अपने हाथ से रावण को खाना खिला रही हो ऐसा, है ना? तुम तो उनके साले हो, तुम भी ऐसे मजाक करोगे क्या? मतलब तुझे ऐसा ही लग रहा था ना? जीजा जी है ना? नहीं नहीं नहीं। भैया, इतना मारने पर भी इसने कुछ नहीं बताया। लगता है इसे सच में पता नहीं है भाई कि राजकुमार का परिवार कहाँ छुपा है। उन्हें कोर्ट तक आने से रोक देना ही काफी नहीं है स्वामी, उन्हें तो भागे हुए 5 महीने हो चुके हैं। अब 3 तारीख पर तो उन्हें काटना बहुत जरूरी है। शुरू हो गया सुबह सुबह, आराम से आराम से। शिवार प्रणम के लिए आचे इतना काफी है, क्या होगा? इस तरह क्यों मार डाला इसे, समझ में नहीं आता। क्या होगा बाबा? देखा? हाँ देखा, मार डाला इसे। अरे मैं अपनी कुंडली के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आपकी कुंडली के बारे में भी बता रहा हूँ, मार डालेंगे ये बात कंफर्म। मतलब इस आखिरी तारीख को वो मेरे जीजा जी को मार डालेगा क्या पंडित जी? देखा, पकड़ लिया। तुम बैठो। साहब, आपकी कुंडली तो ठीक है, लेकिन सिंह राशि के सिंह लग्न में पैदा होने वाले से आपको परेशानी हो सकती है। जेठ जी ने जो गलती की थी वो मेरे स्वामी नहीं करेंगे। क्या कोई ऐसा आदमी इस धरती पर पैदा हुआ है पंडित जी? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, वो महाकुंडली वाला होगा, करोड़ों में से एक होगा, कहीं ना कहीं तो पैदा हुआ ही होगा। हाँ।
क्या हुआ, राम अभी तक नहीं आया? भैया आ जाएंगे मम्मी, आप अपनी पूजा शुरू करो। पुजारी जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसके नाम पर भगवान की पूजा कर दीजिए। अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या है? उसका नाम राम, सिंह राशि, सिंह लग्न। ए, हमारे दुश्मनों में ऐसी कुंडली वाला कौन है पता लगाओ। मेरा तो नहीं है। बताने वाले को 10 लाख दूंगी, मारकर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए। पशुपति, रानी माँ, अपने लोगों को ले जाकर उसे ढूंढो, जाओ। पागल औरत, सिंह राशि वाला मेरा क्या करेगा, शेर हूँ मैं। शेर की उम्र 60 साल की नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। बेटी लक्ष्मी, यहाँ तो आना, अपने लोगों को विदा तो करो। उस दिन भी ये सामने आई थी तो बेटा मर गया था, ये बात भूल गई शायद दीदी। नहीं मिलेगा, ढूंढते ढूंढते मर जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। एक दिन मौका देख कर आएगा और जीजा जी को उठा लेगा। तू कहाँ है मेरे यार? क्या प्रॉब्लम है रे? तुझे पता है ना मैं सुशीला से प्यार करता हूँ। हाँ तो रात को 10 बजे उसके घर जाकर उसे आई लव यू, आई लव यू बोलता है वो भी रात को 10 बजे। सेम ऐसा ही मुझे भी लगा, इसलिए जाकर सॉरी कह देता हूँ। सोचकर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे गया तो गेट बंद था, दीवार फांद कर सुशीला को जगाया, लेकिन वहाँ सुशीला नहीं थी, उसकी भाभी थी। सेम ऐसे ही मुझे भी शौक लगा था यार, बाद में उसका भाई जाग गया और भाभी के साथ मेरा चक्कर है, सोचकर इन लोगों को यहाँ भेज दिया। तेरी बात सुन के मुझे तेरे को मारने का मन कर रहा है, और वो लोग तुझे यहाँ मारने को आए हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। सोचना, इतने लोग मुझे मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा ना। ठीक है, बाहर निकल। और अगर मैं बाहर आया तो लोग मार देंगे यार। अबे बचा भाई। रुको, भाइयों, मेरे दोस्त ने गलत जरूर किया है, लेकिन इतने सारे लोग साथ में मारोगे, इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है। अगर मारना ही चाहते हो तो 2-3 जन आओ, इसे मार मार के कचूमर बना डालो। हम पड़े तो मैं भी 2-4 चमाट मारूंगा। हाथ से मारो तो ठीक है, हॉकी से मारा तो मैं भी मारूंगा। भाइयों, वैसे मैं ज्यादा झगड़ा नहीं करता, अगर आप लोग मुझे मारने के लिए आओगे तो मैं भाग जाऊंगा। तब भी अगर मेरा पीछा करके मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुमको मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तब भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसी मार मारूंगा कि तुम लोग मुझे मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन तब मैं नहीं मानूंगा। नहीं, भाई हम दोनों बात कर रहे हैं, ये मुझे आके मार रहा है, इसकी सजा इसको दे दी, लेकिन ये ऐसी गलती दोबारा ना करे इसके लिए मैं इसे। दो ऑप्शंस देता हूँ, समझा क्या? जो भी हुआ उसे भूलकर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वरना अगर मैं धड़ाधड़ मारना शुरू करूंगा ना, फिनिश करने के बाद ही रुकूंगा। क्या चाहिए? कॉम्प्रोमाइज। अरे ओए, इसे लेके जा।
मैं तुझे दो चॉइस दे रहा हूँ। तुझे मैं यहीं जान से मार डालूं या तुझे इतना मारूं कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बोलो क्या चाहिए। बेकार में दो चॉइस दिए तेरे को, धोखा देकर बहुत बुरा काम किया तूने। अब तो गया। दीदी जन्मदिन पर मंदिर बुलाया तो आऊंगा कहकर मंदिर नहीं आया और अभी तक घर भी नहीं आया। दोस्तों के साथ कहीं बाहर चला गया होगा भाभी, आता ही होगा। आने दो, उसे बताती हूँ। भाई तू मंदिर नहीं आया ना, इसीलिए मम्मी नाराज है। गलती करोगे तो नाराज नहीं होगी। मेहनत करके बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाई है, जन्मदिन पर भी वो मंदिर में माँ के साथ नहीं गया, ये गलत नहीं है क्या? अब आप ही बताइए, इतने सारे बेकार दोस्तों के साथ घूमने वाले लड़के को कोई माँ कैसे माफ कर सकती है? Come on, tell me. लेकिन मेरी माँ 24 कैरेट गोल्ड है, इसलिए मुझे माफ कर देगी। नहीं माँ नहीं, मैं पापी हूँ। जन्मदिन पर भी तुम्हारे हाथ की बनी खीर खाने की किस्मत नहीं है मेरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। भगवान जैसी माँ का दिल दुखाया है मैंने। वो चली गई, अब नाटक बंद करो। आहा, आंटी अब सब लोगों के लिए खीर लेकर आ रही है। खीर नहीं, जहर पिलाना चाहिए। तुझे ना दे जहर। अरे कैसी बातें कर रही है तू? थैंक्स आंटी, जिसे अकल नहीं है वो तो ऐसी बात करेगी ना, हमको तो पहले से ही यकीन था। पढ़ाई किए बिना लोफरों की तरह घूमोगे तो ऐसे ही लगोगे। इन सबको इस तरह बिगाड़ने वाले तो आप ही हैं भाई। करेक्ट आंटी, कम से कम असलियत का पता तो चल गया। मेरे बार बार कहने पर भी ये आज मंदिर नहीं आया। क्यों आएगा? आज इसका जन्मदिन है ना, रक्तदान के लिए आज मैं इसको अपने साथ ले गया। आपने भी दिया पापा? ये क्या देंगे, उल्टा हॉस्पिटल वालों ने एक बोतल इनको खून दान में दी। ओए ओए। ये लो बहन, पिछले महीने के कैटरिंग के पैसे। ओए फूल्स, किसको बोल? किसी और को नहीं, तुम लोगों को। कल से जगन्नाथ स्वामी की यात्रा है, तुम लोगों को मेरी मदद करने के लिए आना है। सॉरी, नो नेवर। क्यों नहीं आओगे? लड़कियों आ जाओ इस यहाँ पे। अरे यहाँ आओ, यहाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, आ जाओ। अरे वाह, वो देख।
हेलो, खरीदना जरूरी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पीकर जा सकते हैं। 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 120% डिस्काउंट। 120 का मतलब एक तो फ्री में दो और ऊपर से 100 रुपए में 20 रुपए हमें देने होंगे। तो जाने देना, जाएगा तो उनका ही, अगर वो पूछती तो 120 में मैं खुद ही चले जाता। मैं भी साथ चलता। आइए मैडम आइए, एक ब्लाउज खरीदो तो एक साड़ी फ्री। ये जैकेट कितने का है? ओनली 1000 रुपीज। स्टूपिड। आगे तो रथ यहीं पे आ रहा है, इस बार लाखों लोगों की भीड़ है ना। स्वामी की रथ यात्रा ऐसे ही होती है। ओए ओए। मंदिर के सामने दुकानों में लाइन मारना महापाप है। ए संध्या, वो देख तुझ पर लाइन मार रहा है, मुंह बंद करके चुपचाप चल। आहा, कितने दिन हो गए इस तरह के कवर पेज देखे, सुपर है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने में ऐसी लड़कियाँ मिलती थी। वो लोग भी हमारी ही बात कर रही होंगी। देखो तो कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। गलत क्या है, हम लोग सुंदर हैं इसीलिए वो लोग देख रहे हैं। इन लोगों को देखकर मुझे उड़ीसा से प्यार हो गया है। आई लव उड़ीसा। वहाँ की लड़कियाँ नहीं है, ये यहाँ की लड़कियाँ हैं। अच्छा शर्ट लगा ले, हार जाओगे यार। अच्छा, एक दर्जन थम्स अप। हम भी तैयार हूँ। संध्या, वो लड़का हमारी तरफ ही आ रहा है। शट अप, वहाँ बंदी को, वरना गलत समझेगी। गलत क्या है? हेलो जी, क्यों जी, आप मुंबई की हैं इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप बोल नहीं रही। अपन कौन जानती, कौन चलते, क्यों जी उड़िया में बात क्यों कर रही हो? अपन कौन जानती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम, क्या हुआ, हिंदी वाली है ना? हिंदी में बात तो नहीं की है दोस्तों, लेकिन जो भी बोली दिल को छू के गई। सुनिए सुनिए, बताइए ना, आप मुंबई से है ना? प्लीज, अपन कौन जानती। चुप रहिए ना, किसी ने सिखा दिया होगा अपन को चलती, अपन को चलती। ए, ए, क्या बकवास कर रहे हो? ए, हिंदी 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 बोली, मैंने बोला था ना ये मुंबई से हिंदी बोली। मैं तो, मैं सुनवाता हूँ, मेरे साथ चलो। बोलिए ना, बोलिए ना, इनके सामने हिंदी बोलिए ना, इन गधों के सामने बोलिए ना। लिसन, डोंट इरिटेट मी, अपन कौन जानती। एक दर्जन थम्स अप के लिए झूठ क्यों बे? ये क्या हो रहा है? सर, सोने के लिए आया है क्या? देखा आपने, मेरा मिट्टी का बिजनेस से तो चल गया, अगर सोने का बिजनेस होता तो मैं तो लुट गया होता। तुम्हारे पापा ने इतना कॉस्टली कार्ड क्यों छपवाया? आपके कॉस्टली गिफ्ट से तो ये सस्ता ही है। इसका मतलब है मुझे कॉस्टली गिफ्ट देना पड़ेगा। पिताजी, आपके लिए कुरियर आया। क्या होगा इसमें, किसका होगा ये? अरे बेटी, तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं चाचा जी, आज जगन्नाथ यात्रा है ना। किसकी शादी है पापा? अरे इसकी है बेटी। आपकी? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सच में मस्त मस्त लड़कियां हैं यार, क्या लाइट मार रहे हैं ना। ये सब जरूरी है अंकल। उस दिन मैंने कहा ये मुंबई की लड़की है, तुम लोगों ने नहीं माना, आज दिखाता हूँ, देख लो। सुने तो मुझे क्या मिलेगा? साथ में और दो लड़कियां हैं ना, उनको तेरे लिए सेट कर दूंगा। मुझे दोनों? तो मेरे लिए तो एक तू ले ले, और तेरे लिए उसमें एक बची है ना, तो फिर मेरा क्या होगा? अरे भाई मेरा भी तो सोचो। आजा हम दोनों आपस में काम कराएंगे, चल। Hey, कौन है रे, कौन है? तुम क्या कर रहे हो? नीचे जाओ, नीचे जाओ, क्या कर रहे हो? स्टॉप, स्टॉप, ये ले रहा, चल चल चल, क्या कर रहा है? यस राम, अरे अगर वो नीचे गिरा तो पता है क्या हो जाएगा? ओए तू चुप कर, मैं उसके बारे में जानता हूँ। अरे मुझे देखकर ही डर लग रहा है। चुप कर। अरे सुन, तेरी वाली सेट नहीं हुई तो बाजू वाली मेरे लिए सेट कर देना। आप लोग मुंबई से हो मैं जानता हूँ, ये बात मेरे दोस्तों को बता दो ना प्लीज। और हाँ, अगर नहीं बोला तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। बोलना, बता देना प्लीज। जरा सुनिए, अगर नहीं बोला तो मैं दूसरा हाथ भी छोड़ दूंगा, सच्ची मुच्ची बोल रहा हूँ, छोड़ दूंगा। अरे बोल भी देना संध्या, बता देना संध्या। टू, संध्या बोल दी, नहीं तो वो सच में नीचे गिर जाएगा। ठीक है, हम यहीं के हैं। जोर से
हम मुंबई के ही हैं। और जोर से कहा ना मुंबई के हैं। हाँ? एक दर्जन कोल्ड ड्रिंक्स की लग गई। थैंक यू संध्या। राम नाश्ता तैयार है, लेकर जाना। मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अब मैं क्या कहूँ माँ, सड़क पर चलना तो बिल्कुल दुश्वार हो गया है। जहाँ भी देखो लड़के लड़की के साथ घूमते ही रहते हैं। हमारी टोटल जनरेशन स्पॉइल होते जा रही है माँ। जिसे भी देखो गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते हैं। तो गलत क्या है? इस उम्र में गर्लफ्रेंड ना हो तो गलत है। अगर तू चाहे तो तू भी बना ले। मतलब ठीक है, अब माँ की खुशी के लिए बेटे को ये काम भी करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, कल ही आपसे मिलवाता हूँ उसको। क्या, कौन है? बंगाली है या उड़िया है? नहीं माँ, प्योर मुंबई वाली है। मेरी गर्लफ्रेंड आपकी बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई साहब, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। साहबजादे ने लड़की पसंद की है, वही बता रहा है। ये क्या बात हुई, हर बार अपने लिए देख लेते हो, मेरे लिए कौन देखेगा? भाई साहब मजाक करो बहन। अरे हाँ, तुमने टेक्सटाइल शॉप के लिए लोन अप्लाई किया था, वो सैंक्शन हो गया। अच्छा, कल जाके ऑफिसर से मिल लेना। ठीक है फूफा जी, कल जाकर मिल लूंगा। चलता हूँ माँ। अरे राम नाश्ता, भूख नहीं है माँ, मेरा हिस्सा फूफा जी को खिला दो। वो लोन अगर सैंक्शन हो जाए तो वो सेटल हो जाएगा, तब मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। इस समय अगर बलदेव होता तो कितना खुश होता। तुम परेशान क्यों हो रही हो? जैसे बलदेव ने कहा था तुमने वैसा ही किया। उस राक्षस से दूर तुमने इसे पालकर बड़ा किया। रोज कॉलेज के लिए वो इसी रास्ते से जाती है भैया। हाय। ए, ये क्या नौटंकी है? वो तेरी वाली के साथ दो और परिया है ना, उन्हें पटाने के लिए। ए संध्या, देख तेरा बॉडीगार्ड। इसके पीछे जो हीरो पड़ा है उसके अलावा बाकी सारे मंदिर के चिल्लर बटोरने वाले दिखते हैं। मैं समझ गया जी, हम दोनों के बीच में कुछ तो होने वाला है। मैं समझ गया हूँ, सच में समझ गया हूँ। उस दिन वहाँ से तो नीचे उतर गया था, पर अभी भी दिल से तो लटक ही रहा हूँ। पता नहीं क्यों तुमसे बात करने की, तुम्हारे साथ घूमने की इच्छा होती है। ये सब क्या है? मैंने अपने दोस्त बंटी से पूछा तो उसने बोला प्यार होने पर ऐसा ही होता है। बंटी वो कौन है? वो झिंगुर। बंटी मतलब वो भी मुंबई का है? यस करेक्ट। आप मेरे बारे में जानते क्या है? देखो मैं इन सारी बातों को नहीं मानता। जाति धर्म परिवार ये सब भूल जाओ, तुम मुझे प्यार करती हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इसके दो बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब तो समझ गए ना कि मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ। क्यों भाई, हमारे लिए सेट कर देना। सॉरी दोस्तों, वो तीनों शादीशुदा है। शांत हो जा रो। ओए, तुम लोगों को अगर शादी में कोई लड़की पसंद है ना तो बता देना। तुम लोग मुझे 500 रुपए दो, मैं तुम लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगी। जी जी, तू तो लड़की के नाम पे कलंक है। ए दोस्त, कितनी अच्छी है, दोनों में से एक तो पटा दे यार। बहुत मस्त है ना। अरे भाई, तुझे उड़ीसा की लड़की पटानी है तो उड़िया में ही पटाना होगा, इसीलिए लड़की के पास जाके। अरे भाई मैं सारी बात समझ गया, आप देख मैं हिला कर दूंगा पक्का विद पिल्लो। तो जा बेटे। भाई दिस कोला वेरी कोला वेरी। ए असंतियो बसंती। असंतियो चाहिए मुझे उड़िया नहीं आती समझकर कोने में बुलाकर गलत हरकत करना चाहता है। घर में माँ बहन है कि नहीं? हाँ, चल भाग यहाँ से। ये तो लेफ्ट राइट दोनों कान पे बजा रही है। कराटे में ब्लैक बेल्ट है भाई। सुन, मैंने बताया था ना मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी पहले से शादी हो चुकी है। उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। वही है वो लड़की। कौन, वो ऑरेंज ड्रेस वाली? अरे उनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई है। क्या? हाँ? सच में? वो मेरी दोस्त है, उन सब ने मिलकर तुझे बेवकूफ बनाया होगा। मुझे बेवकूफ क्यों बनाएगी? तेरी शक्ल देखकर तो गांव की लड़कियां भी लाइन नहीं देती, ये शहर की लड़कियां क्या देगी। अच्छा तू ऐसा सोचती है? हाँ। चुपचाप आगे चल। बाप रे। अब मैं समझ गया हूँ, तुम मुझसे नहीं पटोगी, मैं समझ गया हूँ। कोई बात नहीं, सबकी एक पसंद होती है। अब से मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, तुम खुश रहना। पर हम दोनों दोस्त तो बन सकते हैं ना, प्लीज प्लीज, सिर्फ फ्रेंडशिप प्लीज। थैंक्स। ठीक है तो कैसा चल रहा है, पानी अच्छा है ना? ओह गॉड, ही सो क्रेजी। हाँ,
बताओ ना, खूबसूरती का राज क्या है? कौन सा साबुन? बकवास करता रहता है, इतना पका रहा है, कहाँ फंस गई मैं? वो लड़की कैसी है? तुमसे पूछ रहा हूँ, वो लड़की कैसी है? मैं क्यों बताऊँ? तुम तो मुझसे पट नहीं पाई, लेकिन मुझे किसी को तो पटाना ही पड़ेगा ना। प्लीज करो ना, मदद करो ना। अच्छी नहीं है। मैं भी वही सोच रहा था, फिर भी तुमसे सलाह लेनी थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम दोस्त हैं ना। ओ गॉड, ये तो पीछे ही पड़ गया। आकाश के लिए बादल बनाया, जमीन के लिए बूंद बनाई, पौधों के लिए फूल दिए, पौधों के लिए फूल दिए। देने वालों ने मुझे क्या दिया, देने वालों ने मुझे क्या दिया, देने वालों ने मुझे। तो ये गजल गायक नागराज के कहने का ये मतलब है, आकाश तुम मुझे क्या देते हो, जमीन मुझे क्या देती। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? भैया आप जानते हैं ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ? अब तक आपने 108 लड़कियाँ देख डाली हैं। हाँ? उनको दिया नाश्ता पानी तो अच्छा लगा, लेकिन हाँ? किसी लड़की ने कहा कि आप उसे पसंद है। हाँ? हमारी रिश्तेदारी में ये आखिरी शादी है। हाँ? अगर अभी भी कुछ नहीं किया ना, तो हाँ? जिंदगी भर गलियों में गजल गाते हुए गुजारना पड़ेगा। हाँ? अबे मेरी पसंद की, मेरे दिल को भा जाने वाली लड़की मिल गई। कौन है वो भाई? शादी के होने से पहले उस लड़की के दिल को चुरा लेना है मुझे। अच्छा, शर्म नहीं आती? कहाँ उसकी उम्र, कहाँ आपकी उम्र, उसका रंग भी तो नहीं मिलता आपसे। अबे रंग ना मिले तो क्या हुआ, मैं कलाकार हूँ ना, मेरे संगीत से, मेरे गजल से उस लड़की को अपने वश में कर लूंगा। कैसा? शादी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। ओके ठीक है। सुनिए जी, खाना कहाँ लगाया गया है? पहले आप लोग ये बताइए, लड़के वाले की तरफ से या लड़की वाले की? दोनों तरफ से, लड़के के शहर से और लड़की के गांव से। हाँ। अच्छा माँ जी, क्यों बेटी, ये अपने पहचान वाले हैं क्या? अपने ही पहचान के, शादी में ग्लास प्लेट उठाने में काम आएंगे, इसीलिए साथ ले आएंगे। काम करने के लिए आए हैं? सीनू जी यहाँ आइए ना। आया? तूने ऐसा क्यों कहा? परेशान करने के लिए। बेटा खाना खाने के बाद काम शुरू कर सकते हो। ये काम कौन सा कह रहा है बे? अरे हमसे और कौन सा काम होगा, बैंक जाकर पैसे लेकर आना या जरूरत पड़ने पर सोना गिरवी रखकर पैसे लाने का काम। ओ तो वो काम है तो चलो। क्या बात है, इतनी जल्दी संवर कर तैयार हो गई। थैंक यू संध्या, थैंक यू सो मच। तुम्हें कैसे पता मुझे यही हेयर स्टाइल पसंद है? प्लीज मेरे लिए हमेशा ऐसे ही रहना। अरे वाह 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 वाह, अब तो तुम और भी सुंदर लग रही हो। इस हेयर स्टाइल में तुम्हारी शक्ल एप्पल जैसी लग रही है। अब से मैं तुम्हें बुलाऊंगा एप्पल, ठीक है ना? ओह मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल बना रही हो, थैंक यू जी। क्या करूं मैं इस लड़के का पीछे ही पड़ गया। गुस्सा किस लिए, आखिर तुम मुझसे पट नहीं रही हो, मैं मानता हूँ ना। देखो ना, कब से मैं शरीफ बनकर घूम रहा हूँ, तुम्हारे सामने डिसिप्लिन में रहता हूँ, मानती हो ना? ओके एप्पल, हॉल में मिलते हैं। सारे लड़के एक जैसे क्यों होते हैं? ये क्या पागलपन है भैया, कोई देखेगा तो हमें कबाड़ी समझेगा। अरे कल की अगर मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा ना, तो कितनी मेरी इज्जत करेंगे पता है? ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया, ले जाएंगे, रह जाएंगे, रह जाएंगे। ऐसे खाते समय हम किसी को भी पटा सकते हैं। आत्मा तृप्त हो गई। खाना खा लिया ना, चलो अब काम करने चलो। हाँ बोलिए सर, क्या काम करना है? अगर तुम लोग खाना खा चुके हो तो सारे जूठे ग्लास उठाओ जाकर। क्या, क्या? हम लोग ग्लास खाएंगे? ग्लास है, खाने के बाद ग्लास के साथ प्लेट भी उठा लेना। क्यों बे, तूने तो कहा था हम बैंक जाएंगे और सोना गिरवी रख के पैसे लाएंगे। बात तो एक ही है ना, ये हमारे लिए अच्छा है, हम काम वालों का भेस बदल कर लड़कियों की जगह घुस सकते हैं। तुझे भेस बदलने की जरूरत नहीं है, तू ऑलरेडी काम वाला ही लगता है। ये भी लो। हाँ हाँ दो। इसी शादी के दौरान संध्या को पटाना पड़ेगा। राम कैसे लग रही हूँ मैं? अरे वाह, लग रहा है जैसे किसी बंदरिया ने घाघरा चोली पहनी हो। लेकिन तू हमेशा अपनी तारीफ क्यों सुनना चाहती है? ये क्या भैया, ऐसे क्यों कह रहे हो? और क्या कहूँ, अरे
सामने हीरो जैसा भाई बैठा है, कितनी तेज बाइक चलाता हूँ लेकिन फिर भी कभी गिरता नहीं हूँ। इस प्यारे भाई को एक प्यारी लड़की से प्यार हो गया, तो उसकी मदद करने के बजाय इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, उल्टा मुझसे ही पूछ रही हो। इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ भैया? करने की सोचो तो बहुत कुछ कर सकती हो। जाकर उसे मेरे बारे में चार अच्छी बातें बता सकती हो, उस लड़की की पसंद तो पूछ ही सकती हो। अगर करना ही हो ना तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग खा जाओगे तुम। वही करने बैठा हूँ। ये भाई तो यहीं पर बैठा रहे, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भाई। ऐसा कुछ नहीं है। हाय। हेलो, ये लो इसे वहाँ लगा दो। क्यों संध्या, मेरा भाई तुम पर लाइन मार रहा है। तुम उसे बिल्कुल नहीं पटना। वो ऐसे ही है, लड़कियाँ दिखी नहीं के पीछे पड़ जाता है, चार दिन साथ घूमता है फिर छोड़ देता है, यही है उसका कैरेक्टर। ये क्या कह रही हो रेखा? ये सच है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है लेकिन शक्ल से कैरेक्टरलेस तो नहीं लगता। यही तो उसकी स्पेशलिटी है, वो बहुत ही डेंजरस लड़का है। मैं उसकी बहन होते हुए तुम्हें इतना सब समझा रही हूँ, कुछ तो मेरी बात समझो। तुम उसे बिल्कुल भाव मत देना। तुम पर ये ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीन इज माय फेवरेट कलर। उसे ब्लू कलर बहुत पसंद है। देखो तुम लोगों की पसंद भी नहीं मिलती है। आई हेट ब्लू। ब्लू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नो 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 नो। संध्या जरा यहाँ आओगी? या आई एम कमिंग। ठीक है, ओके देन, बाय। ए, क्या कहा तूने? अरे दुनिया में कोई भी बहन अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं कहेगी जो मैंने उसे कहा। थैंक यू बहना। उसने क्या कहा? उसने कहा उसे ब्लू कलर बहुत पसंद है। ब्लू? हाँ। वो कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, और क्या कहा उसने? तुम्हें दही पसंद नहीं है पर उसे दही बहुत पसंद है। दही? क्यों नहीं खाओगे क्या? प्यार में दही खाना पड़ेगा। भैया ये उस लड़की को बहुत पसंद है। ब्लू ड्रेस और दही। क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं? भैया रो नहीं रहा हूँ, ये गायक की आनंद भैरवी है। इतने दिनों से मेरी शादी क्यों नहीं हुई जानते हो? उस लड़की ने मेरे लिए जन्म लिया है। हम दोनों के दिल मिल गए हैं। भैया देखो वही लड़की। आप भी हमारे टाइप के हैं क्या? तुम लोग किस टाइप के आदमी हो मैं नहीं जानता, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज गिव मी द ग्लास। क्या ये झूठा ग्लास? Don't insult the glass. Oh, I love it. Yeah. चलो इस टाइप का है। चलो चलो लीजिए 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 लीजिए। अरे सर आपको लड्डू लीजिए, आपको और लीजिए। क्यों भाई, तुम लोग यहाँ रहोगे तो वहाँ चाय के ग्लास कौन उठाएगा? चलो जाओ। ये चाय का ग्लास क्या है बे? ऐसे कामों के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? काम देना चाहिए ना। अबे चिल्लाओ मत वरना झूठी प्लेट उठानी पड़ेगी। चल रहे ना साथ। ये क्या, बिल्कुल गुंडे जैसा लग रहा है, ऊपर से ब्लू कपड़े। क्यों भाई खाना अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। क्या रे, इसने भी मेरी तरह कपड़े पहने हुए हैं? पेपर लीक हो गया क्या? नहीं भैया। स्टॉप, इस लड़की पे लाइन मार रहा क्या? कोई शक है क्या? स्टॉप इट। क्यों? इसे मैं पसंद करता हूँ इसलिए। कौन तुम? हाँ, शट अप। लुक एट मी, कैच माय हैंड, कम ऑन, फॉलो मी। ना ना ना, अपना स्टाइल उसको क्या पता? पता। चल, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ चलो भैया चलो। सुनो जी, मुझे दही चाहिए, ओनली दही, मुझे दही बहुत पसंद है। क्या भाई, मैंने कहा ना मुझे दही बहुत पसंद है। दही डालो। आंटी जी मैंने कहा ना मुझे दही बहुत पसंद है, डालिए ना और डालिए ना। क्या हुआ, तुम्हारा भाई ऐसा क्यों कर रहा है? उसने तुम्हारी पसंद जानने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा था, पर मैं उसे थोड़ा परेशान करना चाहती थी इसीलिए मैंने उसे कहा कि तुम्हें ब्लू ड्रेस बहुत पसंद है। पता है बचपन से ही उसे दही बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम्हारे खातिर।
वो कहना मुझे दही बहुत पसंद है इसलिए वो... मुझे ब्लू कपड़े और दही बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी बहन ने तुमसे झूठ कहा है। प्लीज मुझे इम्प्रेस करने की और कोशिश मत करो। आई डोंट लाइक ऑल दिस। सुनो संध्या, आई एम सॉरी। दैट विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट प्लीज पापा। Excuse me? क्या हुआ अंकल? अंकल, 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 कहिए अंकल, क्या हुआ? अंकल, बिल्कुल सही। लड़की नहीं पड़ रही इसलिए बॉल से टाइम पड़ रहा है। संध्या ने आई लव यू कह दिया, क्या की खुश हो? भाई अपना तो वही स्टाइल है ना। मतलब डांट दिया तो आई लव यू कह दिया। लड़कियों का दिमाग ऐसा ही होता है भाई। और वो ब्लू कपड़े मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं पहने थे, संध्या से डांट खा सकूं इसलिए पहने थे। इसका क्या मतलब? वही तो पॉइंट है चिरकुट। लड़कियां पहले गालियां देती है, फिर फील करती है, फिर दिल पे लेती है, तभी प्यार करती है। वही तो लेडीज का साइकोलॉजी है। लड़कियों पर बहुत रिसर्च कर लिया इसलिए इतना लेक्चर दे रहे हो। और नहीं तो क्या, तुमने कहा उसे ब्लू कपड़े पसंद है, दही बहुत पसंद है, मैंने झट से कपड़े बदल कर पहन लिए थे ना। ये और कुछ नहीं, मेरा झकास प्लान था। अब देख उसे जाकर आई लव यू बोलता हूँ, वो भी बोलेगी, बोलेगी जरूर बोलेगी, शर्त लगा ले। देखते हैं। अरे वो भुवनेश्वर आएगी तब आई लव यू कह देंगे ना। दिमाग मत चला। अब हाय। हाय संध्या, ऐसा मत करो प्लीज। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, उससे आगे अगर जाएंगे तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो संध्या, गुस्से में बहुत सुंदर लग रही हो। लगता है फिर से बॉल से खेलेगा। क्यों भैया, सब ठीक है ना? पता नहीं रेखा, इस लड़की का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा। उसे मैं पसंद हूँ ये जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये अपनी फीलिंग्स छुपाना क्यों चाहती है? कुछ भी खुलकर नहीं बता रही। वो इसलिए बोल नहीं पाते क्योंकि उसकी लाइफ के और उसके घर के सारे डिसीजन उसके चाचा ही लेते हैं। उसके चाचा लोग, वो कहाँ रहते हैं? बारह बजे तक हो जाएगा ना मुनीन जी। ये देखिए क्या हुआ। तुम लोग जाकर अपना काम करो। राजकुमार इधर आओ। क्या बात है मुनीन जी? धनराज को किसी ने बॉम्ब से मार डाला। मार डाला? इस अखबार की खबर सच है क्या? एक बार फोन करके देख लेते हैं। हेलो आनंदनाथ, मैं राजकुमार बात कर रहा हूँ। धनराज के मरने की खबर पेपर में देखी, वो सच है? नहीं। तुमने फोन क्यों किया? अरे यार, मैंने यहाँ पेपर में पढ़ा कि उसकी वेन में किसी ने बम लगा दिया। ब्लास्ट हुई थी लेकिन वो उसमें नहीं था। तुम लोगों का पता लगाने के लिए उसका ही किया हुआ ये प्लान है। फोन रख दो। क्या हुआ, फोन कट गया? क्या बात है, क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? भाई 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 भाई, उसने आरटीओ ऑफिस में मोबाइल से बात की, वो भी प्रीपेड कार्ड से, और कार्ड का एड्रेस भी गलत लिखवाया भाई। उसका कॉल आया था, वो नंबर देखकर पता चलता है कि वो उड़ीसा में है भाई। उन लोगों ने हमारे 5 आदमियों को मारा, हमें इतना ही पता है लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। स्वामी तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम लोग जाओ वहाँ पर, वो लोग जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो या हम लोग। आप परेशान मत हो पापा, वो नंबर रॉन्ग एड्रेस पर था। अगर वो यहाँ आ भी गए ना तो इतने बड़े शहर में ढूंढना मुश्किल है। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन उन्हें ये पता चल गया कि तुम यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही हो तो वे तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक चले आएंगे। तुम सब लोग लंदन चले जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? हाँ भैया, जिस शुभ काम के लिए बलदेव ने अपनी जान दी वो पूरा होने से पहले मैं वापस नहीं जा सकता। ये मेरी मजबूरी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों की जान खतरे में पड़े। तुम सब लोग संध्या को लेकर लंदन चले जाओ। 13 दिन बाद अगली तारीख पड़ेगी, उसके लिए मुझे यहाँ रहना होगा। मैं इस धरती को आजाद कराना चाहता हूँ। सॉरी भैया, आपकी और हमारी प्रॉब्लम एक ही है, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ पापा। हाँ भाई, ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। संध्या। हाँ? संध्या प्लीज रुको। संध्या लड़कियों से कैसे बात की जाती मैं नहीं जानता। बचपन से इसी तरह दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते आया हूँ। प्यार के बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं। तुम्हें देखा तब भी मेरे दिल में प्यार का एहसास नहीं जागा था, लेकिन पता नहीं तुमसे बात करने के बाद मुझे क्या हुआ। तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ।
तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। संध्या, ऐसी फीलिंग्स मुझे आज तक किसी के लिए नहीं आई थी, और ना ही मरते दम तक ऐसा एहसास किसी और के लिए जागेगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो संध्या, बहुत बहुत पसंद हो। अगर तुम्हें मैं पसंद हो तो आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही घूमने फिरने की जरूरत है। कल सुबह यहाँ इसी वक्त वही व्हाइट ड्रेस पहनकर आ जाना जिसमें मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले चलूंगा। थैंक यू संध्या। सुनो, इन्हें यहाँ कहीं देखा है क्या? इसको तो कहीं देखा है मैंने। देखा है? हाँ। मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। ए भाई, तुमने देखा है क्या इस फोटो में जो लड़की खड़ी है? बताओ बताओ बताओ। देखो, नहीं देखा मैंने, नहीं देखा। ए, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी चलना है। Hey, राजकुमार, कहाँ गए सब? क्या हुआ भाई? राजेश कहाँ है? कहाँ है राजेश? अरे राजेश कहाँ है? वो बाजार गए हैं। बाजार गया है? लेकिन हुआ क्या है? धनराज के लोग इस शहर में आ गए हैं और तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं। तुम लोग को जल्दी से शहर छोड़ देना चाहिए। संध्या कहाँ है? ये भी ना, क्या मारा था उसने, मजा आ गया। तेरे लिए पहली बार नहीं था ना? क्या बोला, पहली बार देख रहा है। ए, इसको कहीं देखा है क्या? ए, जी नहीं देखा। और तू बता अब क्या करेगा? वो संध्या की फैमिली फोटो थी, इन्हें देखकर मुझे शक हो रहा है। चल राम को फोन करते हैं। लोकल कॉल कर लो। इसने भी फोन बंद करके रखा है, घर पे लगा। आंटी, मैं बंटी बोल रहा हूँ, राम है क्या वहाँ? नहीं है, वो संध्या को लाने के लिए मंदिर गया हुआ है। संध्या की फोटो लेके कुछ गुंडे पूछताछ कर रहे थे, यही बात राम को बतानी है। कहाँ ये लोग? थैंक यू संध्या, मैं भी तुम्हें पसंद हूँ जानता था, इसलिए माँ से कहकर आया हूँ तुम्हें साथ लेकर आऊंगा। चलो चलते हैं। तुम्हें एक बात बतानी है राम, हमारी फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम में है। हमारी गलती ना होते हुए भी कुछ लोग हमें मारना चाहते हैं। संध्या चलो। चाचा जी, क्या हुआ? मेरी बात तो सुनिए चाचा। चलो चुपचाप चलो। चाचा जी बताइए क्या हुआ? संध्या बताइए तो सही, क्या हुआ? उन्हें हमारे बारे में पता चल गया, इसलिए हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। उतरो, मिल गए, पकड़ो साले को, मारो, चलो, छोड़ना मत। नहीं, चलो पीछे करो, पीछे करो सालों का। चलो जल्दी करो। राम 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 राम, बहुत बड़े गुंडे लग रहे थे, संध्या की फैमिली फोटो लेकर घूम रहे थे वो लोग, हमसे पूछ रहे थे, हमने मना कर दिया। तेज तेज और तेज, तेज तेज और तेज,
हेलो। हाँ क्या हुआ? जल्दी हाईवे पर आ जाओ। ओके। संध्या जहाँ कहीं भी होगी ठीक ही होगी। मुसीबत टल गई है भैया, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे और कितने दिन चलेगा? बस थोड़े दिन और, प्लीज। तब तक हम जिंदा बचेंगे तो ना भाई साहब। संध्या कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ पता नहीं, और मैं कहाँ जाऊंगी ये भी पता नहीं। राम तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन हम दोबारा मिल पाएंगे या नहीं ये मैं नहीं जानती। तुम मुझे भूल जाओ राम, प्लीज। संध्या, संध्या, हेलो संध्या। हेलो संध्या, हेलो। वो लड़की रोते रोते चली गई। ये जगह कौन सी है? ये जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन है ना, उसके बाजू की दुकान है। तुम मुझे बहुत पसंद हो राम। चिंता मत करो, शहर से निकलने के बाद कोई खतरा नहीं है। वो लोग यही कहीं छुपे होंगे, जाओ ढूंढो सबको। लगता है इसे फिर से दौरा पड़ गया। राजेश, अनु को फिर दौरा पड़ा क्या? इसका अस्थमा बढ़ गया है भाई साहब, इसको इन्हेलर की जरूरत है, वरना कुछ कीजिए नहीं तो। मैं लेकर आता हूँ भैया। क्या हुआ रमेश? भैया वो लोग स्टेशन में घुस आए, आप लोग अंदर जाइए। धनराज के आदमी स्टेशन के अंदर घुस गए, थोड़ा संभाल कर रहना। वो लोग उस ट्रेन में होंगे, उस ट्रेन में ढूंढो। भैया उनके आदमी ट्रेन में चढ़ गए हैं भैया, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। भैया भैया वो लोग यहाँ जाएंगे भैया, कुछ तो करो भैया, कुछ तो करो ना, जल्दी बताओ ना क्या करें भैया, जल्दी। बेटा वो लोग आ गए। बोलो भैया क्या करें आप, कुछ तो बताओ भैया। भैया वो इधर आ गए। कुछ कीजिए भैया, भैया कुछ कीजिए, भैया कुछ कीजिए, कुछ कीजिए भैया, कीजिए भैया, जल्दी वो लोग यहाँ तक आ गए। चलो सुनिए, अनु यहाँ नहीं आई। अनु कहाँ गई होगी, कहाँ गई मेरी बेटी? जाओ मत वरना लोग देख लेंगे। भैया रुकिए मैं लेकर आ रहा हूं। रुक जाओ, ट्रेन क्रॉस होने से पहले अनु को ले आऊंगा।
बोलो कहाँ है? अनु, अनु। पकड़ो उन लोगों को, पकड़ के मार डालो, चलो। धनराज कोई भगवान है क्या? चोट लगने पर उसके सीने में कोई दर्द नहीं होता है क्या? नाम क्या बताया था? धनराज। जाकर धनराज को बोल दे उसकी मौत यही इसी शहर में होगी। इस फैमिली के सामने अब मैं खड़ा हूँ।
दोबारा यहाँ आंख उठाने की कोशिश की ना। नहीं नहीं, थैंक यू बेटा, बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा। आज अगर तुम ना होते तो अंकल, कोई प्रॉब्लम में हो तो उसे बचाना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मैंने वही किया है। लेकिन आपको मारने वाले का पता मुझे दो तो सही, मैं उसकी खोपड़ी का फुटबॉल बनाकर खेलूंगा। हम लोग एक अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं, बस ये 9 दिन निकल जाए तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी और उसके बाद तो अच्छी बात है। एक काम कीजिए, आप 9 दिन हमारे घर पे आराम कीजिए ना। दोबारा वहाँ पर? अंकल, इतनी प्रॉब्लम के बाद आप फिर से अपने गाँव जाओगे, वो लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को कहाँ छुपाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अंकल, लेट दो। हे, अरे बेटा, ये खून कैसे? अंकल कुछ नहीं है, थोड़ी सी चोट लग गई है। अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है, तुम यहाँ। डॉक्टर। यस। ही इज ब्लीडिंग, प्लीज हेल्प अस। प्लीज कम कम। तुम उसे पहले से जानती हो बेटी? वो मुझे बहुत चाहता है, ये बात मैं आपको बताने ही वाली थी कि कैसे बैठ जाऊं, सब लोग पास में ही हैं। तुम नहीं समझोगे। साहब को गुस्सा आ गया। अब बैठ भी जाओ। हाय हैंडसम, कम कम बैठ जाओ। दोस्तों, ये सब मेरे दोस्त हैं अंकल। जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे ना, ये लोग भी यहीं रहेंगे। अगर कोई यहाँ आए ना तो उसकी फुटबॉल ही बनेगी। वेलकम टू पुरी, आई एम। हे, इंट्रोडक्शन बाद में, पहले इंतजाम देख। हाँ, भाई अंकल। सुनो, ये शहर ज्यादा बड़ा नहीं है, हमें तगड़ी निगरानी रखनी होगी। अगर कोई भी बाहर का आदमी दिखे ना, मुझे फोन करना। हाँ, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। आई एम जी के। हाँ, इनका पूरा नाम गोपाल कृष्ण जी। पूछ के गधे, वो फूल लगे इसने जी के रख लिया। ये हमारा फार्म हाउस है, आप आराम से रेस्ट करिए। ये हमारी पत्नी है। नमस्ते। जल्दी से लक्ष्मी, मैं रेडी हूँ, आप लोग आकर लगा लो। आप लोग परेशान मत होइए, लगा लो का मतलब है कि आप लोग आकर खाना खा लो। ये उड़ीसा की है ना, जैसे तैसे हिंदी सीख रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं तो पूरी तरह एडजस्ट करना चाहता हूँ। उसका पति भी है इधर। कोई फायदा नहीं है, आपके साले की याददाश्त चली गई है। डॉक्टर, जो कुछ हो चुका है वो अब हो रहा है, ऐसा ही लगता रहेगा। ये क्या बात हुई डॉक्टर, किसी के दिमाग में चोट लगती है तो पिछली बातें भूल जाता है, प्रेजेंट की बातें कैसे भूलेगा? मैंने कहा ना, इसकी याददाश्त चली गई। सच में? जीजा, उस राजकुमार की फैमिली अब जलेश्वर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है, चलो चलते। लगता है सचमुच इसकी याददाश्त चली गई है। बाप रे, हे भगवान। जीजा, ये क्या हुआ? तुम लोग सब सुनामी से लड़कर आ रहे हो क्या? सब लोग बेड पे पड़े हुए हैं। आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा अच्छा नहीं होता। ये क्या हो गया? बोलने पर काट डालूंगा बोलने वाले, आज सुर बदल कर बात कर रहे हैं। ओ, कहीं सिंह राशि का असर तो नहीं है? तुमने मारने वाले की राशि पूछी थी क्या? हाँ, बीच में बंद करके पहले राशि पूछनी चाहिए थी। तू बंद करना भाई, मैं एक टांग खो चुका हूँ अपनी। निश्चित है सिंह राशि का असर है। आप परेशान मत होइए, 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना वक्त क्यों लगेगा? हर एक को कम से कम 100 लोगों ने तो मारा ही होगा सर। 100 लोगों ने नहीं भाई, एक ही आदमी ने इन सबको मारा है।
एक ने भाई भाई अभी राजकुमार ने भुवनेश्वर से फोन पर बात की है, चलो चलते। आप परेशान मत होइए भाई, उस लड़के की पिटाई की वजह से अपनी याददाश्त खो चुका है। और इसका पैसा किससे पंगा लिया है बताया उसे? बताया था भैया, लेकिन वो जरा भी नहीं डरा, बड़ा पागल था वो। भाई भाई हम लोग लड़ाई झगड़ा भूलकर चुपचाप कुल्लू मनाली चलते हैं, बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा वहां पर। ऐसी बात कर रहा है जैसे सम्राट अशोक की तरह कलिंगा विजय करके आया है। भाई भाई वो मुझे सिंह राशि वाला लगता है भाई, उसके मारने से शरीर में 440 वोल्ट का झटका लगता है भाई। दीदी मैं तुम्हें विधवा नहीं देख सकता, जीजा जी को समझाओ ना। पशुपति चाहे तुम जितने भी आदमी लेकर जाओ, मुझे कैसे भी उसका सर चाहिए। लक्ष्मी तुम भी एक हाथ दे मुझे दो ना। हाथ देना नहीं आता। हाँ, मैं तो हाथ दे सकता देखो ना। हम बड़े नीचे खानदान से हैं। अब तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत मजा आएगा। इसके कहने का मतलब था कि हम बड़े ऊंचे खानदान से हैं। अरे सुनो तुम अपनी मालकिन से कहो कि इनके लिए उड़ीसा की फेमस मछली पकाए जल्दी से। वो क्यों, मैं खुद ही पटा लूंगी। अबे तेरी भाषा का मैं क्या करूं, पटा लूंगी नहीं पका लूंगी। माँ ये संध्या के पिताजी हैं और वो इनके भाई, ये मेरी माँ है। लड़ाई झगड़े की वजह से ये कहीं अपनी जिंदगी खराब ना कर बैठे, इसलिए इसे इतने दिनों से इन बातों से दूर रखा। इसके पिताजी अगर जिंदा होते तो यही करते जो इसने आज आपको बचा कर किया। अब और क्या, 9 दिन और इंतजार कीजिए, अगर इससे पहले कोई समस्या हो तो मेरा बेटा सब देख लेगा। लेकिन तब तक मैं ये नहीं चाहती कि उसे किसी भी हालत में सच्चाई का पता चले। ये लीजिए। तू बहुत खुश नसीब है यार। और नहीं तो क्या, अच्छी चाय बनाकर देने वाली लड़की जो मिली। पहले पी तो सही, बाद में तारीफ करना। चेक। अबे घोड़े को चेक नहीं देते, गधे के दामाद। इसलिए मैंने बोला था ताश खेलते हैं। हेलो क्या हुआ, फोन के अलावा बात नहीं करोगी क्या? अरे मैं तुम्हारे पीछे कहां कहां नहीं घूमा, इतनी मुश्किल से फाइटिंग भी की, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या अब भी मुझ पे प्यार नहीं आया क्या? मतलब मुझ पे प्यार नहीं आ रहा? ठीक है, ज्यादा ना सही, 50 ग्राम तो आया होगा। इतना सा, बस इतना सा, इतनी सारी फाइटिंग के बाद इतना सा प्यार। अगर मुझे बहुत प्यार चाहिए तो कितनी फाइटिंग करनी पड़ेगी। कितनी फाइटिंग करनी पड़ेगी बोलो, कितनी फाइटिंग करनी पड़ेगी बोलो भी, कितनी। राम मेरे बेटे को बहुत पसंद करती हो ना बेटी, उसने मुझे सब कुछ बताया, एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब एक अच्छा सा मुहूर्त देकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी, ठीक है? अभी तक इसका बचपना नहीं गया है बेटी, अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, इसे जिम्मेदारी का मतलब तक नहीं पता। मैं कहती हूँ तो सुनता ही नहीं। अब तुम्हें इसे समझाना होगा। क्या है भाई, वो तो कलकत्ता में है ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? इतना होने के बाद वो कलकत्ता नहीं जाएंगे, हमेशा 10 लोगों के साथ ही रहेंगे। वो वहाँ मुंबई में होंगे या फिर यहाँ कहीं, वहाँ भाई देख लेंगे या हम देख लेंगे, चलो। अरे आप क्या कर रहे हैं, लड़के लोग हैं ना, कोई बात उसे वहीं रहने दीजिए। साहब जी मेरा सारा काम हो गया है, आप मुझे थोड़ी देर और रखोगे? अरे रखोगे नहीं, मेरी माँ रोकोगे पूछना चाहिए। अच्छा इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती? मेरी माँ की लवर हो गई है ना, इसलिए मुझे साथ रहना होगा। मैं तुझे हिंदी सिखा कर परेशान हूँ, इसकी माँ की उम्र हो चुकी है, इसका मतलब ये था अगर यहाँ रहोगी तो पता नहीं और क्या बोलगी। जाओ, हे भगवान इसका क्या होगा। ए, रुक जा। क्यों बे? तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राम से काम था इसीलिए आए थे। क्या काम है वो, क्या नाम, इतनी जल्दी बताना मुश्किल है। काम है बता रहे हैं ना, वही तो पूछ रही हूँ, क्या काम है? कैसे हो भाई लोग? हाय हाय। मैं इनसे बात कर रही हूँ ना, अंदर जाओ, जाओ ना। अचानक इसे क्या हो गया? तुम लोगों को क्या काम है, फालतू में यहाँ वहाँ घूमना, लड़कियों को लाइन मारना, सिगरेट पीना, यही काम है ना तुम सबको? क्या है तुम सबकी लाइफ में, कोई गोल नहीं है? क्यों नहीं है, मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा गोल है, उसमें हम और आसपास के 4-6 बच्चे सारे दिन पानी निकालते रहते हैं। गोल नहीं बे, होल। वो होल नहीं है इडियट,
वो वेल है, मतलब कुआं, गोल मतलब लक्ष्य। ओके आई गॉट इट, बट लाइफ में क्या क्या सोचना होता है, वो ना हो तो डिसअपॉइंट हो जाना, ऐसे लोगों का कोई साथी नहीं बनता, इसलिए नो रूल्स नो गोल्स। अच्छा? सुबह सुबह तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखा ना आंटी कैसी बातें कर रही है। अगर जिंदगी बनानी है तो संध्या जो कह रही है वही करो। बात मेरी समझ में आ गई, चलो बाय बाय। इसके भविष्य के बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तू सोचने लगा, मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है बे। हे, रुको रुको, क्या बात है, माँ की बात पर उछल रही हो क्या? हाँ तो क्या है बे? क्या बे कहा? हाँ बे, तुम्हें ही कहा, तो क्या हुआ, क्या करोगे तुम? दादागिरी किस बात की? दादागिरी? हाँ, ये माँ को बुलाऊं क्या? हाँ, बुलाओ बुलाओ। बुलाता हूँ। हाँ? माँ। रघु, रघु क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे भाई? अविनाश क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, कौन थे वो लोग? तू यहाँ नहीं था तो वो लोग आए, अब सबको मार कर सबको ले करके चले गए। भैया भैया वो देखो, डैडी को भी मारा उन्होंने। उपाजी उपाजी ये सब क्या हो गया? बेटा जब तुम यहाँ नहीं थे तब धनराज के लोग यहाँ करके। माँ को, वो माँ को साथ क्यों ले गए फूफा जी? तुम्हारा असली गांव धनबाद है। जमींदार राजकुमार अपनी 80 एकड़ की जमीन को हर एक परिवार के हिसाब से बांटकर अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चला गया था। उसी गांव में राहु केतु की तरह दो भाई थे, एक योगराज और दूसरा धनराज। धनराज मांगने वाले ना मांगने वाले को उधार देकर उनकी जायदाद जब्त कर लेता था, और जो लोग उनके पैसे वापस नहीं कर पाते थे तो उन लोगों के साथ धनराज बड़ा ही बुरा व्यवहार करता था। और एक दिन धनराज को जिस जमीन को राम नारायण ने गांव वालों को बांट दी थी, उस जमीन से उसे ब्लैक ग्रेनाइट के पत्थर मिले। कांग्रेचुलेशंस जी। क्या हुआ? एक इंच का 1000 इसकी कीमत है। अरे वाह, इंच का 1000 रुपए। लो पियो। अच्छा ये बताइए, आपने ये किसी को बताया तो नहीं है? नहीं जी, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है। आपने मुझे जमीन देने का वादा किया था ना, इसीलिए। मिठाई ने अच्छा काम दिखाया। आप मुझे मिठाई बांटने दे और वो काम ना करे, ऐसा नहीं हो सकता ना जेठ जी। ए जी मलकिन, लाश को ले जाकर नदी में फेंक दो। अच्छा खाना ना मिलने की वजह से मछलियों में आजकल टेस्ट नहीं रहा। ग्रेनाइट वाली सारी जमीन अगर चाहिए तो ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। बलदेव को बुलाओ। उस गांव के लोग अगर योगराज से डरते थे तो उसका कारण था उसी गांव का बलदेव। क्यों बे, इन लोगों को साइन न करने की सलाह तू ही दे रहा है ना? बहुत बड़ी डोप है क्या तू? ए, मेरे मालिक युवराज के लिए पैसों के बदले साइन करोगे या? अरे बलदेव, इतनी सी बात के लिए तू हमारी जान ले रहा है, ये सही है क्या? ए, मुझे न्याय मत सिखा, गालियां पड़ेंगी। मालिक से जब पैसे लिए थे तब तो बड़ी खुशी से ले लिए थे, अब पैसे वापस देते हुए तुम लोगों की नानी मार रही है क्या? मालिक को क्या तुम लोगों ने वर्ल्ड बैंक समझ के रखा है? कबे जल्दी साइन करते हो या? सारी चीजें तो आपके मालिक ले गए, अब हम कैसे जिएंगे? जिंदा रहने के लिए चीजें नहीं चाहिए, प्राण चाहिए। जमीन के अलावा तुम लोगों के पास है ही क्या बे? जब देखो तब उधार, खाने के लिए उधार, त्योहार मनाने के लिए उधार, फसल काटने के लिए उधार, आखिर में जब तुम मर जाओगे तो उसे जलाने के लिए उधार। तुम्हारी जमीन को नहीं लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारे कष्टों को लेकर जा रहा हूँ। अब चुपचाप अंगूठा लगाते हो या तुम्हारा हाथ काट कर तुम्हारा अंगूठा इस पे लगाओ? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये लीजिए मालिक।
अरे तुम यहाँ पैर के पास क्यों बैठ जाते हो? वहाँ क्या बात करते हैं मालिक। अरे गणपति के पास मूषक कहाँ होता है? पैरों के पास। और शिव भगवान के पास नंदी कहाँ बैठता है? पैरों के पास ही। और राम के पास हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? पैरों के पास ही। वैसे ही इस योगराज के चरणों में ही बलदेव बैठता है। दिल खुश कर दिया तूने, ये ले मजा कर। एक और दस्तावेज आना बाकी है जीत जी। वो दुर्गा के नाम पे है भैया। आज तो उसकी शादी है भैया। उसकी पढ़ाई के लिए उसके बाप ने मुझसे 60,000 रुपए उधार लिए थे। जाने दीजिए भैया, 2 एकड़ ही तो है ना, वो कहाँ जाएगा? हम लेंगे, तुम नहीं जानते उन 24 एकड़ जमीन तक जाने का रास्ता 1-2 एकड़ जमीन से होकर जाता है। बलदेव समझ गया, अभी लेकर आता हूँ। भैया आप उसे रोज दारू देकर उसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। अरे पीने के बाद वो राक्षस बन जाता है। और उस राक्षस से ही हमारा सारा काम है। वो अगर इंसान बना तो हमारे किसी काम का नहीं। संधि जी, ये आपके कागजात, आज से सारी जमीन के कागजात आपके हैं। अबे बूढ़े, पढ़ी लिखी लड़की की शादी बड़े जोर शोर से और बाजे गाजे के साथ कर रहा है? 2 एकड़ जमीन बची है, अगर उसे भी दे देगा तो तेरा उधार कौन चुकाएगा? तेरा बाप चुकाने आएगा? बलदेव मेरे कागजात मुझे दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये बलदेव लेने के बाद वापस नहीं देता और देने के बाद वापस नहीं लेता। अरे ओ बलदेव, ये उस लड़के का दहेज है, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। पैर पकड़ने से और आंसू बहाने से ये बलदेव पिघलने वाला नहीं है बे। ये बलदेव है, अगर साहब के पैसे नहीं देगा ना तो काट डालूंगा। ए बलदेव, ऐसे इसकी शादी रोकना बहुत गलत बात है भाई। ए राणा भाई, भाषण मत देना वरना गाली सुनेगा। बलदेव भाई, उसकी शादी तो होने दो ना, मेरी बात मान लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे क्या अभी तक शादी पर अटके हुए हो? शादी का क्या है, मंगलसूत्र पहनाओ, फेरे लगाओ। कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं भाई। लगवा दूंगा बे, बुढ़ापे की खबर। सुनो सुनो मेरी बात। ए बलदेव रुक जा, लाइट पे दूले लावे, बजाओ शहनाई। देख क्या रहा है बुड्ढे, अब मैं उसका पति और तेरा दामाद हूँ। दहेज में जमीन दे रहा था ना, अब वो मेरी हो गई। चलो उसे मालिक को देते हैं। अब क्या देख रही हो, इसे तोड़ के फेंक दो। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो क्या आप लोग मेरी दोबारा शादी करवा पाएंगे? मतलब अब तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगी बेटी। मैं बलदेव को बचपन से जानती हूँ, जितना अच्छा इंसान है उतना बुरा भी है। इतने दिनों तक धनराज जैसे बुरे इंसान ने उसका इस्तेमाल किया, उसके अंदर अच्छे इंसान को मैं जगाऊंगी। ये लीजिए मालिक। मालिक ये जमीन दुर्गा के नाम पर है, जो दुर्गा का पति होगा यह जमीन उसकी हो जाएगी। पता है बलदेव ने क्या किया, दुर्गा को मंगलसूत्र पहनाकर ये पेपर ले आया। ये तो कुछ नहीं मालिक, ये बलदेव आपके लिए मंगलसूत्र क्या, जरूरत पड़ने पर प्रेम सूत्र भी बना सकता है। मुझे पसंद आया, इस बात के लिए तू एक और ले ले, ले जा। ठीक है मालिक, चल बे। ऐसे शादी करना गलत है भैया। ज्यादा भाषण मत दे, नहीं तो गालियां सुनेगा। तुमने उसे मंगलसूत्र पहना दिया तो सारे गांव वाले तुम्हें दुर्गा का पति समझ रहे हैं। बोल दे कि जिसने भी ऐसा बोला उसकी जुबान काट लूंगा। अगर दुर्गा तुम्हारे घर रहने के लिए आ गई तो क्या करोगे? मार कर भगा दूंगा। तब भी नहीं गई तो दारू पीकर खूब सारी गालियां दूंगा और कहूंगा कि तू मेरी बीवी नहीं है। शादी तो की है ना भैया। चलो तर भैया। चलो तर में। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोकी? एहसान करके तुझे गाड़ी पे बिठा लिया तो तू मेरे सर पर ही नाचना शुरू कर देगा क्या? चल निकल यहां से। भैया 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 माफ कर दो भैया, भैया माफ कर दो। अरे ये सब क्या है, पूरे घर में रंगोली बनी है, किसने किया होगा ये सब? तो मेरे घर में क्या कर रही हो? शादी हो जाने के बाद मायके में रुकना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं घर बसाने आपके पास चली हूं। घर बसाने की बात मत कर, औरत की महक मुझे पसंद नहीं है। तुम घर बसाओगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा क्या? सेंटीमेंट से मारोगे मुझे? मैं सीमेंट का बना हुआ हूँ। चल निकल यहाँ से, निकल। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, पूरी जिंदगी आपके साथ ही बिताने आई हूँ। आप ही ने तो कहा था ना कि मेरे पति और उस घर के दामाद आप ही हैं। नहीं नहीं नहीं, भाषण मत दे वरना गालियां दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल। शादी होने के बाद औरत अगर मायके में रहे तो उसके पति को नामर्द समझते हैं। हाथ पांव धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? उसने सही कहा था, ये तो मेरे घर में ही घुस गई है, अब क्या करूँ, कैसे भगाऊं इसे? सुनिए जी, आपको मछलियाँ बहुत पसंद है ना, तो ये लीजिए। सुन 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 सुन, आज तक ना तो मैंने किसी औरत को मुंह लगाया है और ना ही अपने पास आने दिया है।
तू फालतू में मुझे परेशान कर रही है। भैया खाना नहीं खा रहे तो मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। वाह, अरे वाह भाभी, मछली भात खाने में मजा आ गया। मजा आ गया, कितने जन्मों के पुण्यों का फल होगा कि आज मुझे खाना मिल रहा है। तेरी तो ऐसी की तैसी, काहे का मछली भात। अरे बाप रे, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अच्छा है ना भैया? भाभी, भैया तो इसमें गिर गए। मैं इस पर नहीं गिरा हूँ, मछली पर गिरा हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। ये कहाँ डाल रही हो तुम? अनाथों की तरह जीने वाले बलदेव को पहली बार प्यार, रिश्ते, इन सब के बारे में पता चला। एक इंसान की तरह उसमें काफी बदलाव भी आ चुका था। धीरे धीरे उसे परिवार की आदत होने लगी। सुबह सुबह गरम गरम चाय का गिलास, दोपहर में खाना, बलदेव को घर पर ही बांधे रखा। लड़ाई झगड़ों से दूर रहकर योगराज से मिलना भी बंद हो गया उसका। परसों खबर करवाई, कल भी खबर करवाई, आज भी खबर भिजवाई, लेकिन वो आया क्यों नहीं? क्या हुआ उसे? उसकी औरत उसे यहाँ नहीं आने देती है मालिक। उसका व्यवहार बदल दिया और विचार भी बदल दिया। मतलब मैं ठीक ही समझ रही थी, पढ़ी लिखी लड़की है, अपने पति को वश में तो कर ही लेती। इतने दिनों तक वो हमारे टुकड़ों पे पला है, आज के बाद वो हम पर टुकड़े फेंकेगा। वही हमारी ताकत था, अब हमें कमजोर कर सकता है। वो मूर्ख बलदेव इंसान बन गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तुम लोगों को देखकर अब मैं समझ गया, मूर्ख क्या, वो भगवान भी बदल सकता है। भाई भाई भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? भैया को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। भाई भाई छोड़ दो। क्यों रे, तुझे भी बदल दिया इसने? हाँ? नहीं भाई, भाभी बहुत अच्छी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक दुर्गा कहीं गायब हो गई। दुर्गा से मिले बिना बलदेव उदास हो गया। उसने उसको पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दी। 3 दिन के बाद पता चला कि दुर्गा एक मंदिर में है। मारूंगा नहीं। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, मेरे घर आए, घर बसाने की बात की, परिवार की बात की, जिंदगी कहा, मछली बोली, गरम खाना बोली, धोखा दे दिया ना। 3 दिन से तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा हूँ। बस कुछ समय ही तो हुए है हम दोनों की शादी हुए, मेरे लिए इतने परेशान हो? हमारे पूर्वजों की ये जमीन अगर हमसे दूर हो गई तो हमारे गाँव वालों को कितना दुख होगा तुम्हें पता है? तुम्हारी वजह से अपने पति से दूर हुई औरतें बिना कुछ सहारे कैसे अपनी जिंदगी बिता रही है, कुछ पता है तुम्हें? और हाँ, 3 दिन मैं तुम्हें नहीं मिली तो तुम मुझे यहाँ वहाँ पागलों की तरह ढूंढने निकल पड़े, लेकिन हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाला सूरज 3 दिन से क्यों नहीं दिखाई दे रहे, कुछ पता है तुम्हें? सूरज क्या हुआ? सूरज को मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर तुम घर वापस आ रहे हो ये सोचकर धनराज के आदमी भाग गए और घायल सूरज को अस्पताल में भर्ती किया। पानी नहीं दिया लेकिन पत्थर देकर भगवान ने इन लोगों के आंसू पोंछे थे। तुमने तो वो भी इन लोगों से दूर कर दिया। जमीन वापस दिलाकर लोगों से माफी मांगकर या तो अपने पापों से मुक्ति पाओ, नहीं तो उस बुरे आदमी को अब भी अपना भगवान मानकर एक राक्षस की जिंदगी जीते रहो। ये फैसला तुम्हें कर लो। क्या बलदेव, तुम तो इंसान बन गए। आते ही पैर छूकर नमस्ते मालिक कहते थे तुम, अचानक अपने हाथ क्यों बांध लिए तुमने? अगर मैंने हाथ खोल दिए तो मुझे डर है कि यहाँ मौजूद सारे लोगों की जान न ले। क्या बलदेव, आज ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी बीवी की इज्जत पर छोटे मालिक ने हाथ डाला। मालिक,
बीच में आने वाले सूरज को अपने आदमियों से पिटवाया उसने। अबे वो कमीने, कुत्ता कुर्सी पर बैठा है और देख क्या रहा है। तो मैं क्या करूं मलिक? आज अपने सामने कुर्सी पर बैठा है, कल सर पर चढ़ेगा। इसे ले जाकर मार डाल। जी मलिक। हाँ तो बलदेव तुम कुछ बोल रहे थे ना? क्यों बे, कल तक तो तू मेरे पैरों के नीचे बैठा करता था, आज हमारे सामने कुर्सी पर बैठा है। मैं उसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ मुझे बहुत पहले बैठ जाना चाहिए था। तेरी बीबी ने तुझे ये सब सिखाया है? शायद तुमने अपने पति को ये बात नहीं बताई कि पराई औरत की इज्जत पर हाथ डालना गलत होता है, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे ये बात अच्छी तरह समझा दी है। क्या कहना चाहता है अब तू? डरा धमका के पिटाई करके खून करने की धमकी देकर जिन लोगों की जमीन के कागजात लेकर आया था वो मुझे वापस चाहिए। बलदेव, नहीं देगा तो मार डालेगा तू। मारना होता तो यहाँ कदम रखते ही तुम्हें काट कर तुम्हारी बीवी के सामने फेंक देता। मेरी बीवी ने मुझसे कायस लिए बिना लड़ाई झगड़े के अपने पाप धोने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मालिक, गांव वालों की जमीन के कागजात दे दो, जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। नहीं मालिक, शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप खड़ा रहूंगा। जरूरत पड़ने पर हाथ भी उठा सकता हूँ और समझ में ना आए तो समझा भी सकता हूँ। जरूरत पड़े तो खून की नदियाँ भी बहा सकता है। किसका खून बहेगा? अरे रुको, तुम बैठो। बलदेव मेरे बड़े बेटे जैसा है, उसने मुंह खोलकर कभी कुछ नहीं मांगा। बलदेव, उनसे आने वाली असल ब्याज अगर मुझे दिलवाओगे तो मैं कागजात तुम्हें दे दूंगा। ला दूंगा मालिक। तो ठीक है, चलो। उसकी औरत पर हाथ डालने से कुछ नहीं होगा। अगर खुद को मर्द कहते तो जाकर उसे मारो। कमीने, मेरा अनाज खाकर, मेरी दी हुई दारू पीकर, मेरी जूठन चाटने वाला मेरा कुत्ता है तू। बलदेव, मुझे मत मार, मुझे मत मार। बलदेव की, बलदेव की। ये सब होने के बाद घायल बलदेव अपनी बीवी को लेकर कहीं गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला। तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान बनकर उन लोगों में से अलग हो गए, बैंक से बात करके लोन लेकर अपना कारखाना शुरू कर दिए। थोड़े दिन बाद तुम्हारी मां गर्भवती हुई। कारखाने के मुहूर्त के लिए लंदन से रामनारायण को बुलाया गया। रामनारायण ने आकर बलदेव और दुर्गा को आशीर्वाद दिया, कारखाना ओपन करके वापस लंदन चले गए। डिलीवरी की तारीख आई तो मैं तुम्हारी माँ को देखने के लिए गया। उस दिन दर्द से तुम्हारी माँ बहुत बेचैन थी और उसे पास के अस्पताल में लेके गए थे, लेकिन वहां जान बचाने वाले डॉक्टर नहीं थे, जान लेने वाले जानवर थे। बदला लेने के लिए मौका ढूंढने वाला धनराज अपने आदमियों के साथ तुम्हारे पिता को घेर लिया, तभी पैदा हुए तुम्हें और तुम्हारी मां को भी मारना चाहा, लेकिन अचानक तुम्हारे नाना बीच में आ गए। सुनो, 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 उठो जी, उठो, ये देखो, ये देखो जी, ये हमारा बेटा, देखो, बेटा,
और क्या आप ये क्या हो गया दुर्गा? क्या हो गया जी? क्या हो गया हमारे बेटे को? रामायण सुनाना, महाभारत सुनाना, इस शहर और हमारे बारे में मत बताना, बदले से और दुश्मनी से दूर रखना। तुम्हारे बाप के कारण लोग परेशानी को देखे बिना जी रहे थे, तभी अचानक वहां पे धनराज आ गया और ग्रेनाइट की खान को अपने कब्जे में कर लिया। रो मत राम। अंकल। जीजा जी। मालिक। जीजा जी। मालिक। मालिक। अरे आ जाओ बे। सबसे पहले आप ये धागा बांध लीजिए। बांधिए जीजा जी, आपका बुरा समय आने वाला है, मेरा दिल घबरा रहा है। हाँ भाई, वो राजकुमार लंदन से आ गया है, अब तुम्हारे ऊपर केस भी करने वाला है। ए, पागल कहीं का। अरे मेरा गुड टाइम अभी शुरू हो रहा है, वो लोग पशुपति के हाथ लग गए हैं, थोड़ी देर में वो उन्हें हमेशा के लिए सुला कर यहाँ आने वाला है। धागा मैं नहीं मानूंगा, वो लड़का इतनी आसानी से हाथ नहीं लगेगा, मेरी बात मानकर धागा पहन लो। मालिक आप पहले इसे पहन तो लो। रुको, इसी यहाँ से लेकर जाओ। अरे सुनो तो, अरे अब बांध लो धागा, मैं कह रहा हूँ भाई। ये देख पशुपति का फोन है, क्यों रे सबको मार दिया ना? नहीं भाई। क्यों? एक खबर पहले देना चाहता था। कैसी खबर है दे? भाई वो लड़का कौन है पता है आपको? बलदेव का बेटा है, और अभी तक उसकी पत्नी दुर्गा जिंदा है भाई। सच में? तब तो सबको मार डाल। मारने का मन नहीं कर रहा भाई। कुछ नहीं भाई, अगले 36 घंटे में अगर वो कोर्ट चला गया तो तुम्हें 150 करोड़ का नुकसान हो जाएगा और सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अरे हम भी तो कुछ मांग लें, ऐसा आइडिया अपने लॉयर साहब ने दिया है। मेरी बहुत बड़ी इच्छा नहीं है भाई, सिर्फ 2 करोड़ दे दो काफी है। 24 घंटे में उसे भिजवा दोगे तो उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, वरना उन्हें मैं खुद कोर्ट ले जाऊंगा। पशुपति, मेरा नमक खाकर मुझे ही धोखा दे रहा है तू। भैया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आपका टाइम खराब चल रहा है, बांध लो इसे। उसे यहाँ लेकर आओ। चलो मैं चलता हूँ। अब बेकार है मालिक, आपका खराब टाइम शुरू हो गया है, कोई फायदा नहीं। मुझे उस धनराज के बारे में सब कुछ जानना है, उसकी दौलत, उसके काम और उसकी ताकत, सब कुछ। ए, महात्मा गांधी को मार डाला तुझे पता है? तो अबे जीजा जी ने सुन लिया तो तेरी जान ले लेंगे, वो बहुत परेशान है। भैया तुम्हें देखकर बड़ी हंसी आ रही है मुझे, वो लड़का यहाँ आकर कहाँ से धोना शुरू करेगा ये सोचकर टेंशन हो रही है। इस बीच उस पशुपति ने भी आपको धोखा देकर तगड़ा झटका दे दिया ना भैया। भैया भैया हमारे ग्रेनाइट से भरे 15 ट्रक बीच रास्ते में कोई आदमी लूट कर ले गया। भैया कौन है वो? पता नहीं भैया। मुझे पता है भैया, ये उसी लड़के का काम है। जीजा जी ट्रक की चिंता छोड़िए, गोडाउन में जो 4 करोड़ का माल पड़ा है ना उसे बचा लीजिए। ये लीजिए फोन भी आ गया। चुप है। हेलो कौन बोल रहा है? भैया किसी लड़के ने गाँव वालों के साथ गोडाउन का सारा माल अपने साथ ले गया। भैया वो लड़का मिलेगा कहाँ? मैं कौन हूँ जानती हो? बलदेव का बेटा हूँ मैं। जीजा जी वो सिंह राशि वाला आ रहा है। मैं अपनी बहन को विधवा नहीं देख सकता। अबे तू क्यों बैठा है, जाके चुप जाना। मैंने कहा था कि वो आ गया। वो आ गया। अरे कहीं वो समझ तो नहीं गया कि मेरे पैर ठीक है। चलो चुप जाओ सब। अरे जाओ भागो। Ah!
लाठी वाले बाबा, झटका लगा क्या? ये तो बस एक सैंपल था। अरे हाँ, तू तो धनराज है ना? मैंने सोचा था कोई बॉडी वाला आदमी हाथ में तलवार लेकर घूमता होगा, लेकिन तू तो क्या है, गधे की पूंछ की तरह इतने बाल बढ़ाकर चमचों के साथ घूमता रहता है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या? मैं काट देता हूँ तेरी चोटी नहीं, तेरी गर्दन। ग्रेनाइट हथियार ले आना, उन लोगों के लिए। आए! बलदेव को जैसे मारा था वैसे तुझे भी मारूंगा मैं। क्या रे चिरकुट, अपनी बीवी की सलाह के बिना मार देगा? ओहो, बीवी घर पर नहीं है ना, मंदिर गई है, अब नहीं आएगी। तुझे फालतू सलाह देने वाली तेरी गृह लक्ष्मी को और घर में आने वाली लक्ष्मी को, मैंने दोनों को किडनैप कर लिया है। अरे वाह, लड़के का हाथ ही नहीं दिमाग भी दमदार है। बता मेरी बीबी और बेटी कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है पहले ये बता। हाय! इतना जोर से चिल्लाना जरूरी था क्या? ये झिंगुर, 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, मेरे लोगों को मेरे हवाले कर देना, तभी तेरे लोगों को छोड़ूंगा। मेरा लाडला। ए, दुश्मन अगर घर आए तो उसे अपने पैरों पर नहीं, चार लोगों के कंधों पर वापस जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मैं अपने पैरों पर आया था और अपने पैरों पर ही जा रहा हूँ। मेरी सिंह राशि है और सिंह लग्न है। आपकी कुंडली तो ठीक है, लेकिन सिंह राशि के सिंह लग्न में पैदा होने वाले से आपको परेशानी हो सकती है। बलदेव के मर जाने के बाद हमारी इच्छा भी मर गई थी बेटा, अब हमारी जिंदगी ऐसी रहेगी, हम यही सोचकर जी रहे थे। उन लोगों से हम ग्रेनाइट ले आए, इस बात की हमें खुशी है बेटा। बस दो दिन और रुक जाओ, जिस अच्छे काम के लिए मेरे पिता ने अपनी जान दी थी उस काम को मैं पूरा करके रहूंगा। उस धनराज को कम मत समझना बेटा, उसके जैसे बुरा आदमी हमने नहीं देखा, हमारे लोगों को कुछ ना हो इसलिए। अगर इन झगड़ों में किसी को कुछ हो गया तो, या इस कोशिश में तुम्हें कुछ हो गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा राम। मुझे कुछ भी नहीं होगा संध्या। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि अब हमारे गांव का अच्छा टाइम आने वाला है। हाँ भाई, हाँ। इन दोनों के परिवार अगर इस गांव में रहे तो आप लोग बहुत खुश रहेंगे। तब तो राजकुमार की बेटी की शादी अपने बलदेव के बेटे के साथ करा देनी चाहिए। अरे मेरी जाने मन, क्या हुआ जान, ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो? आज कोर्ट में तारीख है, बस 2 ही घंटों में हमें 2 करोड़ मिलने वाले। 2 करोड़ की बात तो बहुत दूर की है, अगर आप उन धनराज के लोगों के हाथ लग गए ना तो दूसरा हाथ भी काट डालेंगे आपका। अरे नहीं पता चलेगा। पता चल गया कैसे तो? पता चलेगा? अरे तुम बेवकूफ हो, उन्हें कभी शक ना हो, इसीलिए उन सबको उनके ससुराल में ही छुपा कर आया हूँ। एक जमाने में ये मेरी दीवानी हुआ करती थी, और जब मैंने इसे छोड़ा तो ये तुम्हारे पास चली आई, ये मेरी बात मानेगी या तुम्हारी बात मानेगी? भाई नहीं। ए, अपने ख्वाब से ज्यादा तुझे मुझे देखना चाहिए था, अगर इस बार तूने मेरी बात मान ली होती तो 2 करोड़ से भी ज्यादा कीमती तेरी जान बच जाती। ए, बलदेव के बेटे को मेरे ससुर के घर तुम्हारी भाभी के साथ आने को बोल। अगर मेरे पैर होते तो मैं क्लाइमेक्स ही बदल देता, अभी तुम देख लो भैया। ए, अंदर जाके ढूंढ। क्या हुआ पशुपति, अभी पैसे लेकर नहीं आया? आता ही होगा, टाइम तो अभी। ए, खोलो उन्हें, अबे ले जाए इसे। पति को मारा तब भी तुझे अकल नहीं आई, जो मरने के लिए खुद तेरा बेटा यहाँ चला आया। रे, उस दिन राक्षस से इंसान बने मेरे पति को तुम लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा, और आज इंसान से मेरा बेटा राक्षस बनकर तुझ जैसे शैतान को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पति के मरने पर भी तेरी ऐठन नहीं गई, देखता हूँ कौन किसे मारता है, ये तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ए, ले जाओ उसे।
कोर्ट जाने के लिए एक ही घंटा बचा है। तुम सारे लोग धनराज के गुंडों की माँ बीवी और बहन बेटी हो। तुम सबकी जिंदगी सुधरे इसलिए मेरे पिताजी बलदेव ने अपनी जान दी थी। बलदेव के बेटे के आते ही गेट बंद कर देना। कोर्ट में हाजिर होने में अभी एक घंटा बाकी है। इसी बीच उसे और उसके सारे परिवार को मार डालो। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले इस गांव के लिए कुछ अच्छा करके जाना चाहता हूँ। धनराज जिस जमीन पर राज कर रहा है आज उसकी कीमत 150-200 करोड़ से ऊपर। रुपया दौलत नहीं है, मेरे बेटे को मारने वाले एक एक को उसी की आंखों के सामने मारकर बाद में उसके परिवार वालों को मार डालूंगा। मरना मारना आज से बंद हो जाना चाहिए। उन लोगों में बदलाव तुम लोगों को लाना है। या तुम्हारे पास दूसरा रास्ता भी है। आज अपने लोगों को किसी भी तरह कोर्ट लेकर जाना है, फिर चाहे बीच में आने वाला तुम्हारा कोई भी क्यों ना हो, मैं उन्हें कोर्ट लेकर ही जाऊंगा। बताइए आप लोगों को क्या पसंद है, फैसला कर लो। भाई वो अभी तक आया क्यों नहीं? वो जरूर यहाँ आएगा। अब आप भी रहने दो ना भाई, तुम क्या भगवान हो भाई जो तुम उसे यहाँ बुलाओगे और वो आ जाएगा? वो लड़का बहुत चलाक है भाई, मस्त प्लान के साथ यहाँ पर आएगा। नहीं नहीं मेरी बात मानो भाई, कॉम्प्रोमाइज करके कुल्लू मनाली चलते हैं। ये चाकू चीरू छोड़ो भाई, मस्त बर्फ के साथ खेलेंगे, वहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी होती है भाई। भैया वो साड़ी भाभी की है। भैया तुम कुछ नहीं समझे भैया, लेकिन मैं सब समझ गया भैया। उस लड़के की नजर में भाभी गधी है। उसकी बातें तुमने सुनी इसलिए तुम महागधे हो। क्या बक रहा है? सच बोला तो भाई लात मार रहे हो। भगाओ उसे। अरे साड़ी तो निकाल लेते भाई। जी जी, क्या हुआ? शाहरुख खान की डॉन सुपर हिट हो गई। लेकिन डॉन टू फ्लॉप हो गई। पर ये कब रिलीज हुई? मुझे कुल्लू मनाली ले चलो भैया। ये सब यहाँ क्यों आ रहे? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बीवी भी है उसमें। ए, ये सब क्या है? हम तुम लोगों को लेने आए हैं। वो किस लिए? तुम लोग कोर्ट चलकर गवाही दोगे। इस धनराज के बारे में तुम्हें सब कोर्ट में बताना होगा। ये सब क्या है? सर फिर गया है या तेरी आंखें खराब हो गई है? नहीं मालिक, आज आंखें खुल गई हैं। आज तक इन्होंने सारे गंदे काम किए, लेकिन आज बलदेव की बात मानकर हम सब लोग सुखी से रह पाएंगे। बढ़िया ही, सुख से रहने वाले। चला यहाँ से। हमें चाहे मारो पीटो, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। अब एक खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहा है? अपनी बीवी को मैं कैसे मारूं भाई? ओ तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो मैं खुद ही मार देता हूँ। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, मत करना भाई, भाई मत करो, इन्हें कुछ छोड़ दो भाई। भाई जान लेना तेरे लिए इतना आसान है क्या? पिस्तौल नीचे कर। नहीं नहीं मेरी बीवी को कुछ मत करना। अब तुम लोग समझ गए ना ये तुम्हें कितनी इज्जत देता है। ये अपनी बीवी के लिए कितनी भी जान ले सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी हो तो कुछ नहीं। ये लोग मेरे आदमी हैं। अपने लोगों को कोई मरने के लिए नहीं कहता। सुनो, तुम लोगों की बीवी ने जो कहा वो बात मानोगे या बेमौत मरोगे? फैसला कर लो। हम आपके हाथ जोड़ते हैं भैया, आप इनकी बात मान लो और चलो हमारे साथ। भैया ये सब लोग इसकी तरफ जाने वाले हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके कुल्लू मनाली चलते हैं। ये अब जिंदा वापस जाएगा तब ना। क्यों बे बदल गए? क्यों, तुझे तेरी माँ चाहिए ना, लेकर जा, जा ले जा। कोर्ट का टाइम हो रहा है, राम अभी तक राजकुमार को लेकर आया क्यों नहीं? वो बलदेव का बेटा है, जरूर लेकर आएगा। तेरी तो
अरे बाप रे, लगता है वो लड़का यहीं पर आएगा। चल भाग भाग भाग, चल चल चल। भगवान, ओए दम है तो यहाँ। वहाँ वो सबको मार रहा है तो मैं डर कर यहाँ आया, तो तू उसे यहाँ क्यों बुला रहा है? क्या बे टकले, ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने ही तुझे मारा हो? एक टाइम पर हम भी मर्डर करते थे, लेकिन अभी फिजिकली हैंडीकैप हूँ, तो लोकेशन बदल दे अर्जेंट। यही तो, आंखें बंद कर दे पगले, अगर उसने हमें जिंदा देख लिया तो सचमुच हमें मार डालेगा। बंद कर। नहीं राम, इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे पुलिस और कोर्ट के लिए छोड़ दो, चलो। धनबाद में मिले 80 एकड़ ग्रेनाइट की जमीन राजकुमार की है, ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है। इतने दिनों तक धनराज ने इस जमीन को गैर कानूनी ढंग से अपनाया हुआ था, इसलिए 10 करोड़ मानहानि का जुर्माना भरकर उस जमीन को तुरंत खाली करने का आदेश ये कोर्ट धनराज को देती है। तू यहाँ कैसे? ये अस्पताल है ना, इसलिए यहाँ पैर ठीक करा के कुल्लू मनाली चला जाऊंगा। ऐसा क्या? तो सच में तेरे दोनों पैर तोड़ देता हूँ, तब ठीक करा लेना। बाप रे, बलदेव का बेटा सब समझ गया, तुम्हें लोगों से प्यार है ना, इसलिए अब तो मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।